स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरिहर भाई साहब। आज मैं हूं पंजाब में लुधियाना में और आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा ढाबा जहां पे भाई अमृतसर और लाहौर जैसे ही पूरा तड़कता भड़कता जो एक्शन है वो होता है और खाना बनता है इतना नेक्स्ट लेवल कि भाई आपके मुंह में पानी, मेरे मुंह में पानी, सबके मुंह में पानी आने वाला। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आराम से पीछे के बैठ जाओ और मजे लेते हैं आज पूरे। भाई सत्श्रीकाल। सत्श्रीकाल भाजी, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया भाजी। मोस्ट वेलकम भाजी। मुझे ये बताओ, एक तो सबसे पहले एक्शन बहुत है इस ढाबे पे, फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ लाइव किचन है। जी जी जी, तो यहाँ पे क्या क्या बनता है अपने पास? वेज में क्या क्या बनाते हो आप? काली मिर्च पनीर है जो साड़ी स्पेशलिटी है जी, चीज बटर मसाला जी, ठीक है, लेमन पनीर है जी, प्लस दाल मखनी, जो रेगुलर आइटम्स जिम्मे कढ़ाई पनीर है जी, इस तरह की आइटम्स, यानी कि जो ये मोस्टली साढ़े सेल आउट होती है। और भाजी ढाबा पुराना कितना है? मेरे जम्मन तो पहला है, मेरी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है? हाँ जी। पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट लग नहीं रहा 40 साल के। चलो थैंक यू सो मच। और ये किससे शुरू किया था? मेरे दादाजी ने। आपके दादाजी ने? हाँ। और यहाँ पे मतलब वो पाकिस्तान से आए थे, यहीं के थे? नहीं नहीं, वो लाहौर से आए थे। लाहौर से, इसीलिए नाम महाराजा रंजीत सिंह जी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पंजाब तो एक ही है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा भक्ति वाले थे, उनको बहुत मानते थे जी, उन्हीं की बिहाफ पे लाइक शेर पंजाब नाम रखा। क्या बात है भाजी, बहुत जबरदस्त। और मुझे एक चीज और बताओ कि यहाँ पे आपका फेवरेट क्या है खाने में? मेरा वेज में है काली मिर्च पनीर है जी, प्लस एक पीली दाल है या कढ़ाई पनीर है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। एक बार तो ये सारी चीजों के दर्शन करा दो, क्या क्या है यहाँ पे? ये दाल रेडी है। अच्छा, इस पे करछी चला के दिखा दो। करछी लो जी, लो। ये प्रॉपर ढाबे स्टाइल दाल है। वाह वाह, माँ की दाल है जी, राजमा वाली, प्रॉपर ढाबा स्टाइल, जबरदस्त एकदम। भाजी थोड़ी और दिखाओ, मजा नहीं आया। ये शाही पनीर है। ये है जी शाही पनीर। इसे अभी जब फ्राई पैन में जब डालेंगे तो इसका कलर और बढ़िया हो जाएगा जी, और ज्यादा यम्मी हो जाएगा। वाह 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 भाई, ये काजू मगज की ग्रेवी में बना हुआ बढ़िया शाही पनीर है, और इसको अभी तड़का लगाएंगे, मेकअप करेंगे तो और सुंदर हो जाएगा। ये सिंपल पालक है। ये है जी पालक। हाँ, ये दाल में भी यूज हो जाती है और पनीर में भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दाल पालक दाल पनीर दोनों हो जाएगा। बिल्कुल पनीर दोनों हो जाएगा। और भाजी आप आज उस्ताद जी से हमें क्या बनवा के दिखाने वाले हो? आपके लिए स्पेशल काली मिर्च पनीर। काली मिर्च पनीर बनने वाला है, दिखाइए सर, जलवा दिखाइए अपना। तो उस्ताद जी जो है वो अपना जलवा दिखाने वाले हैं और पाजी जो है वो पीछे हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या आ रहा है। सर कढ़ाई में क्या क्या आ गया? पहले अभी पहले ऑयल आया जी, और अदरक मिर्चा और प्याज, अदरक जीरा मिर्ची और प्याज आ चुका है ऑयल के अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया और भाई एक्शन शुरू। इसमें आ गया जी दूध साथ में। अरे भाई क्या बात है, दूध में बनाते हैं? हाँ जी भाई, काली मिर्च पनीर जो है पूरा पैकेट दूध का डाल दिया। इसके बाद आ गई है कसूरी मेथी, और भाई कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो तो आपको मालूम ही है, बहुत जबरदस्त होता है। और इधर आ गया जी पनीर। वाह, और भाई पनीर भी ऐसे नहीं, वो ट्रायंगल साइज ट्रायंगल शेप में डालेंगे, बहुत ही जबरदस्त यार। भाजी पंजाब, शेरे पंजाब, दूध पनीर घी, ये तो जाएगा ही जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मलाई पनीर दूध ये तो जाएगा ही जाएगा। और पनीर के पीस का साइज देखो आप, ये देखो अभी मसाले डाल रहा हूँ। ये आ गई, अच्छा जी किचन किंग, किचन किंग गरम मसाला, ये आ गई जी काली मिर्च, ये आ गया जी नमक, और भाई ये देखो इधर, ओहो भाई दी अरोमा इज मैजिकल, आई विश आई कुड मेक यू स्मेल दी अरोमा यार, खतरनाक। अरे वाह भाई, उस्ताद जी बोल रहे हैं अरारोट डालते हैं लोग, हम प्योर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। वाह जी वाह, फुल फैट क्रीम, फुल फैट दूध की क्रीम, और भाई गाढ़ापन देखो अब, जबरदस्त प्रेपरेशन जो है ये देखो तो सही जरा, भैया एक मिनट इसको टिकाओ जरा, ओहो भाई जबरदस्त, और एकदम गाढ़ा हो गया क्योंकि बड़े से पैन में पका रहे हैं, जो सरफेस है जिस पे हीट आ रही है वो बहुत बड़ा है। और ये बन के तैयार हो गया जी आपका काली मिर्च पनीर, ऊपर से काली मिर्च, और क्योंकि भाई ये आ गया हरिया धनिया। सरदार जी अब क्या लगवा रहे हो? दाल मखनी। अब लग रही है जी दाल मखनी, और भाई सबसे पहले वही पैन के अंदर आ गया जी देसी घी, और भाई उसके ऊपर से आ गया जीरा, ये प्याज अदरक और हरी मिर्ची का तड़का। ओ भाई 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 भाई, क्या बात है, मेरे हाथों के बाल जल चुके हैं भैया। और ये देखो ये टमाटर को जी, टमाटर मोटा काट के एकदम तड़के वाला टमाटर। और भाई अब मैं पहले पीछे हट जाता हूँ, आदत सी हो गई है। अदरक लहसुन का पेस्ट, वाह भैया यहाँ तो जो आ रहा गायब हो रहा है। अभी दिखाओ जरा एक बार करछी दिखाओ। ओहो भाई ये दाल अब इस तड़के में आने वाली है, जरा चेक करना। ओए क्या बात है भाई, दी अरोमा इज मैजिकल, मतलब मैं
बहुत विश करता हूँ कि काश आप सब मेरे साथ होते। लाल मिर्ची, गरम मसाला, किचन किंग और नमक आ गया जी, और ये आ गया जी फिर से क्रीम, भाई बहुत जबरदस्त। और भाई ये देखो, ये दाल मखनी का जो टेक्सचर है ना, ये देख के आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अगर आपको आपके मुंह में पानी आ रहा है तो भाई वीडियो को जरा लाइक तो कर दो, चैनल को जरा सब्सक्राइब तो कर लो। मक्खन, हरिया धनिया अब बन रहा है जी, यहाँ का स्पेशल लेमन मशरूम। और भाई सबसे पहले वही रीति रिवाज, कढ़ाई में आ गया जी देसी घी और जीरा, और अभी भैया हरी मिर्ची और अदरक, और ये आ गया जी प्याज। भाई बहुत सुपर प्रेपरेशन है यार। अभी आ रहा है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, भाई जबरदस्त। भाई यहाँ पे ना आपको ये देखो, ओ भाई दूध का पैकेट तो ऐसे फाड़ते हैं जैसे कोई, भाई भाजी कितना दूध लग जाता होगा दिन का? लग जाता है 20 किलो लग जाता है। क्या बात है जी, 20-25 किलो तो दूध लग जाता है। ये आ गया जी किचन किंग, ये गरम मसाला आ गया, ये आ गया जी नमक, ये आ गई जी काली मिर्च। ये उस्ताद जी बोल रहे हैं कि मशरूम को पहले से फ्राई किया हुआ है। वाह 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 भाई, दिस इज अ साइट। आप अगर यहाँ पे आते हो ना तो ये सब चीजें ट्राई करना, मजा आ जाएगा। कसूरी मेथी आ गई, ये देखो मशरूम जो है वो अपनी बढ़िया दूध वाली मलाई वाली जो ग्रेवी है उसमें नाच रहे हैं लिटरली। इसमें भी भाई क्रीम ही डालेंगे, अरारोट नहीं डालेंगे, क्रीम से ही गाढ़ापन लाया जाएगा। अब आ गया जी नींबू, अब आएगा नींबू वाला। फटेगा नहीं ये, कैसे सर मैजिक? क्या बात है उस्ताद जी, कह रहे हैं अपने बनाने का अंदाज है कि पनीर अपना दूध जो है फटेगा नहीं। ये बनके तैयार है, और भाई ये जबरदस्त शॉट है यार, देखो इसको। ये आ गया जी हरिया धनिया, लच्छे पराठे जो है वो बनके तैयार हो रहे हैं। और तकरीबन जो है, ओ भाई 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 चेक करो यार, ये देखो भाई पंजाब में घी लगाने का अंदाज चेक करो आप, मलाई और घी, और ये हो गया जी क्रश। वाह, ये लच्छा पराठा नहीं चूरी बन गई, ये तो चूरी बन गई उस्ताद जी, चूरी बनती है। अरे वाह, तो भाई साहब आज स्वाद बटांदरा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि यार इतनी सही यहाँ पे जगह है, द लाइव किचन इज सुपर्ब, इतना मजेदार सेटअप है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का बहुत ही जबरदस्त खाना। ये देखो, तो सबसे पहले तो ये है जी अपना लेमन मशरूम। लेमन मशरूम का ये कंसिस्टेंसी देखो भाई, इस एक एक प्लेट में ना आधा आधा लीटर दूध है, एक प्लेट में एक एक पैकेट दूध डाला हुआ है। और ये है जी लेमन मशरूम, तो लेमन मशरूम हम यहाँ डालते हैं जी इधर। ये देखो जी मुँह में पानी, आपके भी मेरे भी। पनीर बटर मसाला, इसकी कंसिस्टेंसी देखो, पनीर काटने का जो स्टाइल है ना वो अपना नॉस्टैल्जिया वाला है भाई, ट्रायंगल ट्रायंगल शेप में। ये है जी काली मिर्च पनीर, और अगर आप यहाँ पे आते हो या आप आ चुके हो तो आपको पता है कि इनकी ये वाली रेसिपी बड़ी ज़्यादा फेमस है यार। मैं ट्राई करना चाहता हूँ यार आप सबके साथ ये लेमन वाला जो मशरूम है ना, ये भाई साहब ह्यूज बाइट। ओ भाई इतनी ज्यादा सब्सटेंशियल ग्रेवी है ना, मैं लिटरली पता चल रहा है एक पैकेट दूध इस एक प्लेट में गया हुआ है, इतना गाढ़ापन है इसमें, इतना ज्यादा जबरदस्त गाढ़ापन है। और भाई वो जो नींबू का जो खटास आ रही है ना उसके साथ मिर्ची और किचन के, इतना जबरदस्त फ्लेवर, मतलब शायद ऐसी लेमन ग्रेवी आपने पूरे लुधियाना में, छोड़ो पूरे पंजाब में नहीं खाई होगी। मेन चीज़ तो इधर है, ये है जी काली मिर्च पनीर। ये देखो इधर से ये तोड़ते हैं और ये बनाते हैं जी एक बढ़िया सी बाइट, हिज बाइट विद काली मिर्च पनीर, हियर गोज। भाई पूरे पैसे, एक एक रुपया आपका जो है वो वसूल है यहाँ पे। मेरी बात मानो, अगर आपका मन है बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल हैवी ड्यूटी पंजाबी डिनर लंच या ब्रेकफास्ट करने का, एक बार मेरी मान के यहाँ पे आओ, और ये जो काली मिर्च पनीर है, ये जो लेमन मशरूम है और इनकी दाल मखनी, वो मेरे कहने पे ट्राई करो भाई, जन्नत। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई काली मिर्च चिकन और साथ में इनका कुकर वाला मीट, मेरे गल्ला चढ़ दो तुसी बस आ जाओ, तुसी आप पे आके कहना भी भाई हरी है सही दस गया, बहुत स्वाद खाना है यहाँ पे, मेरा एब्सोल्यूट रिकमेंडेशन है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये सब चीज़ें ट्राई करना। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साढ़ी हरी पे जाऊँगा आजाद बाजार है साढ़ा पंजाब नाले साढ़ा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट अनदर सुपर प्लेस जहाँ पे आपको 24 घंटे खाना मिलेगा,